आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज बैठक प्रारंभ होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 दिसंबर को जो टंटिया मामा हमारे टंटिया भील मामा जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और जिनका अंतिम संस्कार पाताल पानी इंदौर जिले के महू में हुआ था, महू विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां कार्यक्रम पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ किया जाएगा। बड़ौदा अहीर से 2 कलश यात्राएं प्रारंभ होंगी, एक बड़ौदा अहीर से, एक सैलाना से, जो कि ये यात्राएं हमारी खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन से निकलेंगी। संस्कृति विभाग इस कार्यक्रम को करेंगे, कमिश्नर उज्जैन इंदौर कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। सभी प्रभारी मंत्रियों को आज उन्होंने इन यात्राओं में जिलों में चिंता करने का बोला है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम अमर क्रांतिकारी टंटा भील के नाम से रखे जाने का भी कैबिनेट पर विषय रखा। आज मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों से कहा है कि 25 दिसंबर तक सभी अपने अपने विभागों की समीक्षा करें, जिलों की समीक्षा करें और जो विकास काम होने वाले हैं उनकी भी समीक्षा करें। मुख्यमंत्री जी ने 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक वो विभाग जो जनता को सुविधाएं देते हैं उनकी भी समीक्षा करने का कहा है, गुड गवर्नेंस के तहत, कि इसको भी देखें और अपने अपने विभागों के सभी सम्मानित मंत्रीगण अलग अलग समीक्षा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को ये भी कहा है कि वो खाद की और धान खरीद की भी समीक्षा स्वयं के जिले में और प्रभार के जिले में दोनों में करें। कल से वैक्सीनेकरण का, टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हो रहा है, उन्होंने इस अभियान के लिए भी सभी सम्मानित मंत्रियों को समीक्षा करने का बोला है। आज की कैबिनेट के अंदर हमारे नवकरणीय ऊर्जा विभाग के 2 विषय थे और दोनों महत्वपूर्ण विषय थे। माननीय प्रधानमंत्री की जो इच्छा ग्लास ग्लोब में उन्होंने व्यक्त की थी उसको ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को साजापुर में आगर का 550 साढ़े 500 मेगावाट का, साजापुर में 450 मेगावाट का और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर के शिलान्यास माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करने वाले, एक साथ 1500 मेगावाट के ये शिलान्यास हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जो इच्छा व्यक्त की थी कि ऊर्जा की बचत, ऊर्जा साक्षरता अभियान इस मध्य प्रदेश के अंदर 25 तारीख से चलाया जाएगा, 25 नवंबर को इसकी शुरुआत होगी और इस अभियान में स्कूलों को, कॉलेजों को जोड़ा जाएगा, जनसाधारण को जोड़ा जाएगा कि जो बिजली फालतू की जलती रहती है, अकारण को जो बिजली जलती है उसको भी रोका जाए। हिंदुस्तान का ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाने वाला, बड़ा अभियान चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा। मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश देश को इस बारे में एक दिशा देगा। जिस तरह के विषय आए हैं कि समयबद्ध कार्यक्रम इसका बनेगा साक्षर बनाने का और महाअभियान हम चलाएंगे, 7.5 करोड़ जनता को करेंगे इसमें ऊर्जा के व्यय और अपव्यय दोनों के विकास के बारे में भी समझाया जाएगा,
पारंपरिक एवं वैकल्पिक साधनों की जानकारी भी बताई जाएगी और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव भी आम जनता को बताया जाएगा। इसके लिए सार्थक संवाद का भी आयोजन स्थान स्थान पर किया जाएगा। इसके प्रभावों, परिणामों और इनमें दक्ष करने का भी निर्णय आज लिया गया है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय जोखिम, नकारात्मक प्रभाव और विभिन्न ऊर्जा तकनीकों के चयन के बारे में भी विस्तार से इस अपूरे के पूरे अभियान के अंदर बताया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत राज स्वराज संशोधन